हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग अच्छे हों इस लॉकडाउन में। यदि घर में कुछ सामान बच जाए तो उसे यूटिलाइज कैसा करना है, वीआईपी रेसिपी बनाकर जिससे बाहर वाले रेस्टोरेंट की कैटलेट की कमी पूरी हो जाए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यह जो गोल गोल क्रिस्पी कैटलेट आप देख रहे हैं ना, ये उसी बचे हुए चावल से बना है। और पनीर बनाने का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिएगा। इसे बनाने का कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से पनीर और चावल कितना भी ले सकते हैं। फिर इसमें मसाले में मैंने पिज्ज़ा वाला सारा मसाला डाल दिया है। आहा, पिज्ज़ा की अभी से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। इसे अब हमें हल्के हाथों से मिलाना है क्योंकि हम इसका कैटलेट बना रहे हैं, चावल का हलवा नहीं। अब आप इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर इसके बीच में चीज़ को डाल देते हैं। चीज़ आजकल बहुत ट्रेंड में है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। चलिए अब इसके आउटर लेयर को क्रिस्प करने के लिए कॉर्नफ्लोर का हम पेस्ट बनाते हैं, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डाल के। पेस्ट इसका हमें पतला ही रखना है। इसमें अब हम अपने चीज़ बॉल को डालकर, यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो शैलो फ्राई कर लीजिए, लेकिन यकीन मानिए डीप फ्राई करने पर भी इसमें तेल बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है और मध्यम आँच पर 2 से 3 मिनट में ही ये लाल हो जाता है, क्योंकि चावल, चीज़ और पनीर तीनों ही पके हुए होते हैं। अब इसे और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसमें मैगी मसाला डाल के अच्छे से इसे मिला दिया है। अब देखिए, इसको मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। ये जो अंदर से वाइट कलर का ट्यूबलाइट दिख रहा है ना, ये ट्यूबलाइट नहीं है, मेल्टेड चीज़ है। अंदर से एकदम मेल्टेड और बाहर से क्रिस्पी वाला कैटलेट, इतना टेस्टी और बनाने में एकदम आसान। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय।